अलावा 3 मई दलित नेता एवं गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लगभग 2 सप्ताह बाद मंगलवार को गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उसे निकम्मा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया जब राज्य के एक विधायक का अपहरण कर लिया गया और यहां से ले जाया गया था। अहमदाबाद पहुंचने के तुरंत बाद मेवानी ने एक सभा को संबोधित किया। मेवानी ने ऊना तहसील में दलितों के खिलाफ दर्ज मामले, जुलाई 2016 में एक दलितों पर हमले के बाद विरोध प्रदर्शन को लेकर दर्ज राज्य के अन्य आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लेने और पुलिस कर्मियों के लिए ग्रेड पे एवं अन्य विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं किए जाने पर 1 जून को गुजरात बंद का आह्वान करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं गुजरात सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इतने निकम्मे हैं कि आप तब कुछ नहीं कर सके जब असम पुलिस गुजरात के गौरव को रौंदने आई थी। आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए। निर्दलीय विधायक मेवानी ने कहा, असम पुलिस द्वारा गुजरात के एक विधायक का अपहरण करना और उसे असम ले जाना गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का अपमान है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और अर्जुन मोड़वाड़िया तथा अमित चावड़ा जैसे पार्टी के वरिष्ठ पार्टी नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए एकत्रित लोगों को शपथ दिलाई कि वे कभी भी भाजपा को वोट नहीं देंगे या आरएसएस की शाखा में शामिल नहीं होंगे। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट न्यू मल्लेपल्ली नोबल टाकिस क्रॉस रोड हैदराबाद।